सम्माननीय नर्मदा भक्तगण, कुछ दिन पूर्व आपकी सेवा में मेकल वाणी द्वारा एक वीडियो प्रस्तुत किया गया था, जिसमें नर्मदा तट पर कमंडल से कमंडल टकराने जैसे विषय पर संतों के विचार प्रस्तुत किए गए थे। हमें खेद है कि इस वीडियो में तकनीकी कारणों के चलते जो सार तत्व था वह नहीं आ सका। इस वीडियो के उस भाग को आप तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कृपया इस हिस्से को उसी वीडियो के साथ देखकर मां नर्मदा की महिमा को एवं संतों की साधना को समझने का प्रयास करें। जब हमने उनसे पूछा कि ये कमंडल से कमंडल टकराने का तात्पर्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में नर्मदा जी के दोनों तटों पर आज भी साधु संत, ऋषि मुनि, बहुत से देवता तपस्यारत हैं, अपनी साधना कर रहे हैं और उनके कमंडल ही एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि बिल्कुल भी स्थान नहीं है, इतने समीप स्वयं मतलब बहुत बड़ी संख्या में साधु संत आज भी तपस्यारत हैं। उन्होंने यह बात बहुत आसानी से कही, लेकिन आज विज्ञान के युग में हम और आप जो बहुत कम छोटी बुद्धि के लोग हैं, इस बात को कैसे माने। लेकिन जब उन्होंने उस पर विस्तार से बात करनी बताई और एक उन्होंने बताते बताते एक प्रसंग बता डाला, उन्होंने स्वयं बताया लगभग सुबह के 3:30 बजे की बात थी। वो स्वयं भी नर्मदा के तट पर एक छोटा सा आश्रम या छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक पुंज, ज्योति पुंज जो है, जैसे दिया जलता है दूर से देखते हैं, वो धीरे 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 दूर से ऊपर से धीरे 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 आकर और नर्मदा जी के तट पर स्थापित हुआ और अचानक फिर एक संत वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने नर्मदा स्नान किया, नर्मदा पूजन किया और उसके बाद फिर वह ज्योतिपुंज धीरे 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 ऊपर पहाड़ पर चला गया। यह सब उन्होंने देखा तो उनको पहले एक ऐसा हुआ कि हो सकता है मेरे देखने में भूल हो गई हो या मिथ्याभास हुआ हो, लेकिन जब दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार उन्होंने यह देखा कि तेजपुंज आता है वहाँ से और फिर वहाँ संत प्रकट होते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं, उपासना करते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से साधु संत सूक्ष्म रूप में आज भी नर्मदा तट पर तपस्यारत हैं, विराजमान हैं। और यही कारण है कि जो भी परिक्रमावासी नर्मदा तटों के समीप नर्मदा परिक्रमा करता है तो उसे एक दूसरी पॉजिटिव एनर्जी या दूसरे वाइब्रेशन का एहसास होता है। जितने ही पहुंच वाले साधु संत हुए हैं उनसे जब हमने बात की है तो उनका भी यही कहना था कि परिक्रमा के दौरान नर्मदा तट के समीप रहने पर एक अलग अनुभूति होती है जो नर्मदा तट से दूर जाते जाते धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यह सब उन्हीं संतों साधुओं का जो सूक्ष्म रूप से यहाँ तपस्यारत हैं, उनकी तपस्या का, उनकी साधना का प्रभाव है जो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में नर्मदा तट के दोनों ओर आज भी विराजमान है। अक्सर यही भी कहा जाता है कि नर्मदा के तट पर परिक्रमा के दौरान या ऐसे भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा है या किसी मुश्किल में है और उसने माँ रेवा से प्रार्थना की नहीं कि उसकी समस्या का समाधान तुरंत ही होना निश्चित है। अब यह समस्या का निदान कौन करता है? तो उन्हीं संत ने बताया कि ये जो सूक्ष्म रूप में तपस्यारत हैं साधु संत ऋषि मुनि, ये देखते हैं कि नर्मदा का भक्त कौन सा है और कौन नर्मदा जी को भज रहा है कि मुसीबत की बात कर रहा है या इसे कोई परेशानी है। तो इस सूक्ष्म रूप में जो ये साधु संत यहाँ तपस्यारत हैं, वे तुरंत उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। परिक्रमा के दौरान अक्सर देखा जाता है कि परिक्रमावासी कहते हैं कि उन्होंने मन में सोचा कि आज यह चीज़ चाहिए या यह सहयोग चाहिए और कुछ ही समय बाद उन्हें भोजन के लिए वह चीज़ या जो भी सहयोग वो मन में करते हैं वह पूर्ण होती है। तो यह कौन करता है? यह भी इन्हीं साधु संतों के मार्फत या उनके द्वारा किया जाता है। इन पर नर्मदा जी की विशेष कृपा है और ये भी जानते हैं कि नर्मदा भक्तों की सेवा या उनका सहयोग या उनकी सहायता करने से ही नर्मदा जी प्रसन्न होंगी। और नर्मदा जी को प्रसन्न करने के लिए ये सभी साधु संत आज भी नर्मदा भक्तों की, नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। रात बिरात जाने अनजाने मार्ग पर
यदि कोई मार्ग भूल जाता है या किसी मुसीबत में पड़ जाता है और मैया को आर्त मन से याद करता है तो मैया उसकी तुरंत सहायता करती हैं किसी न किसी रूप में। तो यही रूप है जो उनके तट पर सेवारत हैं, संत जन हैं, साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, मैया उनसे कहती या भी वो भी समझते हुए तुरंत उस भक्त की समस्या का हल करने या उसे सहयोग करने तैयार हो जाते हैं और करने पर तत्पर होते हैं।